दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों मैं आशा करूंगा आप लोग इस साल नए साल में कुछ नया करने के लिए सोच रहे होंगे और नया करने के लिए प्रयास भी करेंगे। दोस्तों इसीलिए दोस्तों नए साल को बेहतर बनाने के लिए आपको नए साल के दिन कुछ ऐसी चीजें खा लेनी चाहिए। आप लोग जो खाना चाहते हैं खा लीजिए। नए साल के दिन अगर आप लोग ये सब खा लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों नए साल को मिठास से शुरुआत किया जाए तो दोस्तों नए साल के दिन आप जो है दूध दही और मीठे की चीज जरूर खाइएगा, क्योंकि दूध बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ मिठास भी आपके जीवन में होनी चाहिए। तो नया साल यानी कि 1 जनवरी का दिन अगर आपका बेहतर से व्यतीत हो जाता है और आपके घर पर कोई भी खटास या फिर लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता है तो आपका जीवन बेहतर से चलने लगेगा। दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस दिन लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा और आशा करिए कि इस दिन आप जो खुशियों में व्यतीत करके अपने जीवन को काटें। इस दिन आप अपने खुशियों में रहें, क्योंकि इस दिन अगर आप खुश रहेंगे तो पूरा साल आपका खुशियों में व्यतीत हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस साल में कुछ ऐसी टेंशनें नहीं करना है, जैसे कि पैसों से रिलेटेड अगर आप लोग टेंशन करते हैं तो आपको पैसों से रिलेटेड टेंशन नहीं करना है, क्योंकि नया साल आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाया है। उसी के साथ साथ आपके दिनचर्या में परिवर्तन हो गए हैं, इससे दोस्तों आपका भाग्य इस साल अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि या फिर जो है किसी भी राशि के लिए जो है आज का साल बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसमें आप लोगों को कुछ ऐसे पैसे मिलने की संभावना है, जैसा कि आपके बैंक बैलेंस में पैसों की बढ़ोतरी होगी। उसके साथ साथ आप पैसे बहुत ही ज्यादा कमा पाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों आपके घर पर खर्चा भी आएंगे। तो दोस्तों नए साल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको खा लेना चाहिए। तो दोस्तों नए साल के दिन आपको दूध की खीर हो सके तो जरूर खाइएगा। खीर में जो है थोड़ी सी चाली यानी कि थोड़ी सी उसमें जो है एक जो है उपटन भी लगा दीजिए हेल्दी की, थोड़ी सी मात्रा आप जो है दूध में डाल दीजिए, ताकि हेल्दी जो है बहुत ही शुभ माना जाता है। तो नए साल में आप लोग हेल्दी में जो है थोड़ी सी प्रयोग करके खीर को बनाइएगा। बिल्कुल थोड़ी चुटकी भर हेल्दी का प्रयोग कर ही दीजिएगा, ताकि आपका जीवन बेहतर हो, क्योंकि हेल्दी ही आपके रिश्तों को जोड़ता है, आपको पैसों से जोड़ता है। क्योंकि माता लक्ष्मी हो या फिर किसी भी पूजा पाठ में काम किया जाता है तो हेल्दी का प्रयोग जरूर माना जाता है, या फिर अक्षत्र आप जब भी माथे पर तिलक करते हैं तो हेल्दी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हेल्दी बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे दोस्तों आपको मैं बता दूं कि नए साल में मीठा जरूर मंगाइएगा, मीठा मंगाइएगा या फिर घर पे बनाकर जो है नए साल में मीठा को जरूर खाइएगा, क्योंकि मिठास आपके जीवन में होना चाहिए। और फिलहाल नए साल के दिन आपको मीठा जरूर खाना चाहिए। दोस्तों वैसे ही आपको कुछ ऐसे काम हैं जो नहीं करना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग नए साल के दिन कुछ लोग जो है दारू वारू पी लेते हैं और शराब में लिप्त रहते हैं, तो ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। और नए साल के दिन आपको दारू से दूर रहना है। और कुछ लोग गुटखा बीड़ी सिगरेट पीते रहते हैं, तो आपको इस दिन जो है इन चीज़ों से दूर रहना है, नहीं तो आपका पूरा साल इसी दारू और गुटके बीड़ी में व्यतीत हो जाएगा और आप लोग इन्हीं चीजों से आप लोग परेशान रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने जीवन को अगर आप लोग बेहतर बनाना चाहते तो आपको उन कार्यों को करना पड़ेगा जो सब लोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आप लोग दारू को ज्यादा पीते हैं तो छोड़ना पड़ेगा। आप लोग ठान लीजिए कि इस साल हम दारू नहीं पियेंगे, तो आप जो 100 रुपए या फिर 200 रुपए डेली शाम को खर्चा करते हैं तो वो पैसा आपके बैंक बैलेंस में बचेगा, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। वैसे दोस्तों आपको गुटखा बीड़ी सिगरेट को त्याग देना चाहिए। ये दोस्तों आपके शरीर को तो नुकसान करता है बल्कि आपके परिवार को भी नुकसान करता है। जैसा कि अगर आप दारू पीते हैं तो आपका बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि आपको उसके बारे में सोचने की क्षमता ही नहीं रहेगी और आप जो है इधर उधर भटकते रहेंगे और जो है आपका बच्चा क्या हो जाएगा आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। तो आपको दारू से बच के रहना है और नए साल में इन चीजों को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये आपका जीवन बदल सकते हैं। वैसे दोस्तों आप लोगों को एक एनर्जी के साथ नए साल में काम करना है और आपको अपने आप को आगे निकालना है। जैसे कि दोस्तों आप लोग सोचते हैं कि हमें ये काम करना है तो इस साल ही करना है। अगर आप लोग नई गाड़ी लेना है तो आप लिए ये सोच लीजिए कि इस साल हमें गाड़ी लेकर रहना है और कहे कुछ भी हो जाए। तो आप लोगों को एक सोच और एक क्षमता के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी आपको अपने जीवन को बदल पाएंगे। और अपने जीवन को बदलने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा।